ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, लेवल वन मैंने बताया आप लोगों को बाई क्रॉस डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे हम लोग लेवल थ्री में आए हैं, SCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर से आप लोग फेमिलियर है ही हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं SCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब यहाँ पे हम पहला सम लिया है, फर्स्ट सम, फाइंड द SCF ऑफ 70, 35 एंड 49। 35 टू से नहीं जाएगा, डिवाइड होगा, ये थ्री से भी नहीं होगा, फाइव से होगा, फाइव सेवन जा 35। तो यहाँ पे आपको आया कितना, 5 × 7। दूसरा लेते हैं 70, टू से कटेगा, इवन नंबर है, 35, फिर 5 से, 5 सेवन जा 35। यहाँ आपको कितना आया, 2 × 5 × 7। अब बच गया 49। 49 को देखते हैं, 49 ये 7 × 7 = 49। तो यहाँ आपको बचा 7 × 7। ठीक है, अब ये तीनों में देखना है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ 5 5 दो जगह इसमें नहीं है, तो 7 और 2 भी नहीं है किसी में इसके अलावा। तो यहाँ पर 7, इसमें का एक 7 और इसमें का कोई एक 7, ये तीनों में कॉमन है। तो ये आपका हो गया SCF का वैल्यू। देयरफोर योर SCF इज कितना, 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें यही देखना है ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन मैंने निकाल लिया तीनों में, यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया SCF इज, योर आंसर इज 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं 91। देखिए कितना से कटेगा ये, थ्री से नहीं कटेगा, फाइव से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 × 1 = 7 = 21 7 × 3 = 21। तो यहाँ पे आपको कितना आ गया, 7 × 13। दूसरा लेते हैं 112, टू से कटेगा, 2 × 5 = 10 = 12 2 × 6 = 12। ठीक है, चलिए 2 से भी इवन नंबर है, 2 से कटेगा, 2 × 2 = 4 16 2 × 8 = 16। अभी भी 2 से कटेगा, इवन नंबर है, 14, फिर 2 से 7। तो यहाँ कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 7 ये आया। अब 49 में देखते हैं, ये 7 से कटेगा, 49 7 7 = 49। यहाँ आ गया 7 × 7। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो आपका SCF हो गया आपका, देयरफोर SCF इज, वैल्यू ऑफ SCF कितना हो गया, 7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वेरी इजी, बिल्कुल समझ रहे होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, चौथा सम जो हमारा है वो फाइंड द SCF ऑफ 120, 960 एंड 600। ये हमारा लेवल थ्री का लास्ट सम है। तो चलिए इसको हम लोग, सेम मेथड है, 120 लिया, चलिए कितना होगा, 2 6 = 12 2 30 2 15 2 3 से जाएगा, ये 3 5 = 15। यहाँ कितना बच गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, अब चलिए 960 2 2 4 = 8, 1 बचा इसमें, 1 6 = 16 2 8 = 16 0, 2 2 = 4 2 4 = 8, 2 1 = 2 2 2 = 4, इवन नंबर आ रहा सब, 2 6 = 12 2 30, 2 60 = 30 2 15, उसके बाद 3 × 5 = 15। तो यहाँ आपको कितना आ गया, यहाँ आ गया
एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स टू है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, उसके बाद थ्री इंटू फाइव, इंटू थ्री इंटू फाइव, यह आपका हुआ। थर्ड है 600, चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या होता है। ये भी इवन नंबर है, ठीक है, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू वन ज़ा टू, टेन टू फाइव ज़ा टेन। टू का मतलब इसको हाफ कर रहे हैं, 300 का हाफ 150, ठीक है, 150 का हाफ 75, अब ये 3 से जाएगा 25, 3 ज़ा 75, और ये 5 से कटेगा, 5 5 ज़ा 25। तो ये यहाँ कितना हमारा आ गया, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू फाइव। अब देखिए सब में 2 है और 5 है, इसके अलावा कोई और 3 भी है, 3 भी है इसमें। तो अब 2 2 2 देखिए यहाँ पे 2 2 2 2, 3 2 इसमें है, 3 2 हमारा यहाँ भी है, और 3 2 हमारा इसमें भी है, ठीक है। 5 3 3 इसमें, इसमें और इसमें 3 नहीं है, उसको छोड़ देंगे, कॉमन हुआ नहीं। 5 यहाँ है, 5 इसमें भी है, और 5 हमारा यहाँ भी है। तो आपका HCF कितना हो जाएगा, जो कॉमन है उसको लिखिए, therefore HCF इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 इंटू टू इंटू टू, एक तो ये हो गया हमारा, उसके बाद इंटू फाइव, 2 इंटू फाइव, फाइव एक ही है, 3 3 तो तीनों में है, अरे 3 तो इसमें है, 3 इसमें मिस किया है, तो इसको आप ऐसे कीजिए, 3 इंटू फाइव इंटू फाइव, तो एक 3 भी आपका, एक फैक्टर यहाँ 3 भी है, एक 5 भी है, 5 भी है यहाँ भी 3 है, ठीक है, और एक 3 यहाँ भी है। तो आपको कितना हो गया, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 और इंटू 5, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका 120 आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह HCF फाइंड आउट किया जाता है, तो ये भी बड़ा सिंपल लगा होगा। तो चलिए लेवल 3 हो गया, अब हम लोग आगे लेवल 4 में मिलते हैं, तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए और खूब सम खूब मैथ बनाइए, और बने रहिए तनवीर सर के साथ। थैंक यू।